ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, या तो एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, पर अक्सर हमें हमारी इस दुनिया में ईश्वर के कई चमत्कार देखने मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम हाजी अली दरगाह के बारे में जानेंगे। इसकी एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह समुद्र के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद भी कभी डूबता नहीं है। मुंबई में स्थित हाजी अली नाम से जाने जाने वाली यह दरगाह अपने चमत्कार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस दरगाह में धर्म का कोई बंधन नहीं और पूरी दुनिया भर से लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहां आते रहते हैं। यह प्रसिद्ध दरगाह हाजी अली शाह बुखारी की है। माना जाता है कि यहां पर यदि भक्त सच्चे मन से कोई मुराद मांगे तो वह पूरी हो जाती है। इस दरगाह को 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में एक समुद्र के किनारे बनाया गया था। इस दरगाह की खास बात यह है कि यह जमीन से कम 500 गज दूर समुद्र पर बनी हुई है। इस दरगाह तक पहुंचने के लिए लोगों को समुद्र पर बने लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये पुल दोनों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं और अक्सर यहाँ समुद्र में ज्वार आते रहता है, जिसके कारण यह पुल बंद कर दिया जाता है। इस दरगाह की सबसे खास बात यह है कि ज्वार के वक्त चढ़े हुए समुद्र के पानी की एक भी बूंद इस दरगाह के अंदर नहीं जाती है, जिसके कारण यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो इस दरगाह के सामने बनाए गए पुल पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं और यह दरगाह समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि पीर हाजी अली शाह ने शादी नहीं की थी और उनके बारे में जो कुछ मालूम चला है वो इस दरगाह के सज्जादानसी, ट्रस्टी और यहाँ के लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनाई जा रही कहानियों से पता चला है। जब पीर हाजी अली अपनी माँ की अनुमति लेकर व्यापार करने के लिए पहली बार अपने घर से निकले थे, तब मुंबई वर्ली के इसी इलाके में वे रहने आए थे। यहाँ पर रहते हुए उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अपने आगे का जीवन यहीं पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए बिताएंगे, जिसके कारण उन्होंने अपनी माँ को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति को जरूरतमंदों में बांटकर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। भौतिक जीवन से जुड़ी अपनी हर चीज लोगों को देने के बाद हाजी अली सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बारे में ऐसी मान्यता है कि हाजी अली की अंतिम इच्छा थी कि उनको दफनाया ना जाए बल्कि उनके कफन को समुद्र में डाल दी जाए। इसी कारण उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई की इस जगह पर आ रुका। और आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र में इतनी दूरी तय करते हुए हाजी अली का ताबूत समुद्र में बिना डूबे पानी पर तैरता रहा और ना ही उस ताबूत के अंदर पानी की एक बूंद गई। एक लंबी दूरी तय करते हुए फिर हाजी अली का ताबूत मुंबई के वर्ली में स्थित एक समुद्र के किनारे एक पत्थर से आकर टकराया और वहीं रुक गया। इसके बाद उसी जगह पर सन 1431 में उनकी याद में दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों को इस दरगाह का पता चला और वे अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आने लगे। मान्यता है कि आज भी समुद्र तेज ज्वार के समय भी हाजी अली शाह बुखारी के अदब के चलते अपनी दायरे नहीं तोड़ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।